To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning all of you. In previous class, we have completed chapter 3, fiber to fabric. And right now in this video, we have three exercises. So first question is, there are two poems. Baba, Black Sheep, Have You Any Wool? And next poem is, Mary Had a Little Lamb. एंड उन पोएम्स रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव उल, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप हैव उल, मतलब जो ब्लैक शीप होते हैं उनके किस पार्ट से उल मिलता है या होता है. द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस, जो शीप के ऊपर जो हेयरी स्किन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस हैज उल इन ब्लैक शीप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज मीन्ड बाई द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. जो दूसरा है मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, उसमें व्हाइट फ्लीस का जिक्र है, तो इसका क्या मतलब होता है, व्हाइट फ्लीस क्या होता है. व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मींस द व्हाइट कलर्ड हेयरी स्किन. जो लैम्प का व्हाइट कलर्ड हेयरी स्किन होता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिल्क वर्म इज ए अ कैटरपिलर, बी अ लार्वा. चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है. फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थ्री बोथ ए एंड बी, एंड फोर नाइदर ए नॉर बी. तो क्या होगा, दे आर बोथ कैटरपिलर एंड लार्वा. द राइट आंसर इज थ्री. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड उल, Which of the following does not yield wool? इसमें से कौन सा जानवर है जिससे कि ऊन नहीं मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से मिलता है, गोट से मिलता है, उली डॉग. उली डॉग से हमें ऊन नहीं मिलता. That is the right answer. Next question is, what is meant by following terms? इन कुछ terms है उसका क्या मतलब होता है. The first term is rearing. The first term is rearing. So what is rearing? The process of keeping, feeding, breeding and care of useful animal. Keeping, रख रखाव, feeding, खिलाना पिलाना, breeding, उनसे नए उनके offspring को ये पैदा करना, and care, that is, उनकी उनका ख्याल रखना, of useful animal, ऐसे कोई भी animals जो हमारे लिए useful है. जैसे कौन कौन है, such as goat, buffaloes, camel, cow, etc. are called रियरिंग. बहुत सारे एनिमल हमारे लिए यूजफुल है, सिर्फ याक शीप गोट से उल प्राप्त होता है, वो फैलो से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, काउ भी हमें दूध देती है, उनके आफ्टर लाइफ में भी वो हमारे जितने यूजफुल है, आफ्टर डेथ भी वो हमारे लिए उतने यूजफुल है. उनके लेदर से, उनकी जो चमड़ी होती है स्किन लेयर से हमें लेदर का सामान भी बहुत सारा बनाया जाता है. कैमल से हमें उल मिलता है, गोट से हमें उल प्राप्त होता है, इटीसी आर कॉल्ड रियरिंग. ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रियरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद देयर थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शियरिंग. हमने पढ़ा था कि उल का प्रोसेसिंग जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस था, डेट इज शियरिंग, कि स्किन थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ जो हेयर हटाते हैं हम शीप को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शियरिंग. द नेक्स्ट इज सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वर्म का जो रियरिंग होता है, रियरिंग आपने देखा, व्हाट इज रियरिंग, तो रियरिंग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ उल. उल की प्रोसेसिंग में हमने छह सीक्वेंस देखा था ना, तो नीचे कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सीक्वेंस मिसिंग है, तो विच आर द मिसिंग स्टेप्स बताने आपको, विच आर द मिसिंग स्टेप. तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है शियरिंग, शियरिंग के बाद क्या था, यस दैट इज स्कोरिंग, उसको हम धोते हैं टैंक में, दैट इज स्कोरिंग. स्कोरिंग के बाद क्या होता है, शॉर्टिंग. शॉर्टिंग के बाद क्या होता था, क्लीनिंग द बर्ड्स. नेक्स्ट है क्लीनिंग के बाद क्या होता था, डाइंग. उस बर्ड को हम लोग कलर करते हैं, डाइंग, डाइंग विथ कलर्स और डाइंग. नेक्स्ट डाइंग के बाद क्या होता था, रोलिंग यार्न बनाना, रोलिंग इन यार्न. तो दिस इज द सिक्स स्टेप्स. सो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. दो स्टेजेस लाइफ हिस्ट्री किसका, सिल्क मोथ का. तो सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको स्केच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. इसमें से कौन सा दो टर्म है जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो देखिए फर्स्ट क्या है, सेरिकल्चर. तो व्हाट इज सेरिकल्चर, सिल्क ऑप्टेनिंग के, सिल्क मतलब ऑप्टेनिंग सिल्क के लिए जो हम सिल्क वर्म का रियरिंग करते हैं, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर. तो ये है, तो द फर्स्ट टर्म इज सेरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर, फ्लावर की कल्टिवेशन को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं. मोरिकल्चर, मलबरी लीव्स के कल्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, मोरिकल्चर. तो मलबरी लीव्स किससे रिलेटेड है, ये सिल्क वर्म का फूड होता है. तो ये भी सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. दैट इज द सेकेंड टर्म रिलेटेड विथ सिल्क प्रोडक्शन. एपीकल्चर, इसमें बी को कल्टिवेट किया जाता है फॉर हनी के लिए. तो एपीकल्चर सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. सिल्वीकल्चर क्या होता है, जब बहुत सारे फॉरेस्ट मतलब काट दिए जाते हैं, वहां पे दूसरे प्लांट और ट्रीज को ग्रो कराया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिल्वीकल्चर. तो ये भी हमारा सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. नाउ साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्बा. मलबरी ट्री का नेम जो होता है साइंटिफिक, वो क्या होता है, मोरस एल्बा. ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. कॉलम वन से कॉलम टू को मिलाना है. तो स्कोरिंग से कौन मिल रहा है, क्लीनिंग सीयर्ड स्किन. तो स्कोरिंग का ई हो जाएगा. फिर मलबरी लीफ क्या होता है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, दैट इज सी. याक क्या करता है, वूल यील्डिंग एनिमल. तो याक का क्या हो जाएगा, बी. अब बच गया कोकून. तो कोकून का दो होगा, रीलिंग, रीलिंग करते कोकून, रीलिंग और एल्ड सिल्क फाइबर, यानी ए एंड डी, ए एंड डी बोथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेशन. यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक spaces with letters that complete the word. So the first is down. So down and across. The first is down. So down mein D ka one kya hai? Throw washing. Throw washing kya ho jayega hamara? Score. So hum D ka one dekhenge. So one ka D kya hai? So score. S C O U R. Score. द नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर क्या होता है, सिल्क लेते हैं हम, सिल्क लेते हैं, एस आई एल के. ओके, देन थ्री लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज फाइबर. तो थ्री का डी क्या हो जाएगा, एफ आई बी आर ई, फाइबर. नेक्स्ट है आपका एक्रॉस में. अब आते हैं एक्रॉस में क्या है, कीप्स वार्म. हमें वार्म कौन रखता है, कीप्स वार्म, गर्म रखने वाला उल होता है. तो वन का ए खोजे, वन का ए, तो डब्ल्यू ओ ओ एल, दैट इज उल. नेक्स्ट है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वार्म, मलबरी. तो दैट इज एम यू एल बी ई डबल आर वाई, मलबरी. नेक्स्ट है hatches from egg of moth, that is caterpillar. C A T E R P I double L A R. So आपका ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. हमने एक्सरसाइज भी देख लिया. आप सब इसे याद करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू.